केसरिया बालम आओ गुड मॉर्निंग ट्रैवलर्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। सुबह सुबह हमारी सवारी एक नए सफरनामे के साथ चल दी है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चूरू, राजस्थान। राजस्थान का नया सफरनामा स्टार्ट हो गया अपना। हम जा रहे हैं फतेहपुर अपने दोस्त अपने भाई की शादी पे। उसका नाम है बाबूलाल जाखड़। जाखड़ जी की शादी में जा रहे हैं। अरे अभी हम निकल चुके हैं दिल्ली से। अभी हम गुड़गांव मानेसर के बीच में है। थोड़ा सुबह तो कुछ खाया भी था, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ रॉयल होटल में रुके थे, तो हमने खा लिया, चाय वाय पी लिया। अब हो गए, शरीर में जान आ गई। उसके बाद हम राइड पे आ रहे हैं। अब आगे आपको नज़ारे दिखाते हैं। चलो अब आगे ही मिलते हैं आप लोग। और भी इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो पूरा आज का लंच ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर भाई अतुल, ये हमारे स्पॉन्सर है आज लंच डिनर सबका। उन्होंने हमें बहुत लेट किया, बहुत ज्यादा। दिल्ली से हमें 7 बजे निकलना था, वहाँ से 9 बजे निकल पाए, 9:30 के करीब निकल पाए। और इसने हमें दुखी कर दिया एक तरह से, जो बार बार करता हूँ मैं। एज यूजुअल करता रहते। लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा था, ये सुबह सुबह लेट उठता है और हमें परेशान करता है। चलो आपको मिलते हैं आगे। चलो बाय। सो गाइस, अभी हमने 60-70 किलोमीटर के आसपास पार कर लिया है। रेवाड़ी हम पहुंचने वाले हैं और वेदर कुछ ऐसा रिपोर्ट है, मतलब ठंड तो है नहीं, धूप हो गई, तो हमें राइडिंग करने में अच्छा मजा आ रहा है। बाकी दिल्ली में बहुत ट्रैफिक था, अतुल ने हमें लेट करवा दिया था, तो इसकी वजह से हमें जाम में बहुत फंसना पड़ा। तो अभी सब तो ठीक है, अभी तो रोड मतलब खाली तो नहीं कह सकते, बट ठीक है। रेवाड़ी पहुँच गए हैं, तो रेवाड़ी सिटी है। अब हम रेवाड़ी सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे लाइटिंग देखो, स्ट्रीट लाइट कितनी अच्छी लगी हुई है, सीधा फूल पत्ती जैसी स्ट्रीट लाइट। ऐसी स्ट्रीट लाइट नोएडा में लग जाए तो कितना मजा आता है। रजवाड़ों की जगह पे हैं हम, तो रजवाड़े जैसी स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे, बहुत हैवी, मजा आ गया देख के। सो गाइस, अब हम खेतों के रास्तों से जा रहे हैं, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ खेत ही खेत है। ये फूल खिले हुए हैं, कौन सा फूल है? ऐसा सरसों के फूल है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पीले पीले, और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। अभी हम 214 किलोमीटर रह गया है बाबूलाल का घर दिनारपुरा। हम महेंद्रगढ़ होते हुए जाएंगे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। टाइम गूगल आंटी तो 214 किलोमीटर पार करने 5 बजा दे रही है, और हम देखते कितना टाइम लेते हैं। कितना मस्त व्यू आ रहा है, दोनों तरफ पेड़, बीच में एक रोड जा रही है सीधी सीधी, कहाँ जा रही है पता नहीं, बस हम जा रहे हैं। पहाड़ स्टार्ट हो गए यहाँ पर, लग रहा है उत्तराखंड हम जा रहे हैं, राजस्थान के पहाड़, राजवाड़ों के पहाड़। सो गाइस, अभी हम रेलवे फाटक पे वेट कर रहे हैं, वेट करते हुए 15 मिनट हो गए, अभी तक ट्रेन तो आई नहीं है। अब गर्मी भी पड़ने लगी है, हालत ख़राब हो रही है। रेवाड़ी से आ गए हैं, ये रोड जा रहा है जहाँ महेंद्रगढ़ होते हुए जाएंगे हम, और देखते हैं ट्रेन कितनी देर में आती है, फाटक कितनी देर में खुलता है, हम निकल पाते हैं कि नहीं, हालत ख़राब हो रही है। सो गाइस, पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, पहाड़ों के बीच में हम जाते हुए, ये देखो जंगली पहाड़, टर्न ही टर्न आएंगे अब, पूरा जंगल का रास्ता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जा रहे हैं हम लोग, लग रहा है शेर चीते भालू ना आ जाए यार, धप्पा ना बोल दे हल्के से। टाइम हो चुका है 3 और अभी तक हम रोड पे ही हैं।
गूगल आंटी ने हमारे साथ खेल खेल लिया है, अभी पता नहीं कहाँ जंगलों में लाके छोड़ दिया है। और पिछले 2 घंटे से हम 200 किलोमीटर ही दिखा रही है गूगल आंटी हमें। 2 घंटे से हम 100 किलोमीटर चल लिया और 200 किलोमीटर से नीचे दिखाई नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रहता है बाबूलाल। जो ऐसे पेड़ होते हैं ना जो रोड को पूरा घेर लेते हैं, उसमें ना जो पेड़ का रिफ्लेक्शन आता है तो उससे ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है राइडिंग में। वो ऐसा ब्रेकर जैसा बन जाता है, आपको लगेगा ब्रेकर पर ब्रेकर होता नहीं है वो, तो उसमें काफ़ी आपको ध्यान से चलाना पड़ता है। हमारे साथ भी एक दो बार ऐसे ही हुआ है अभी, और ब्रेकर लगा मुझे लिटरली, पर वो ब्रेकर था नहीं। अरे देखिए गाइस, हम रेगिस्तान में आ गए हैं। छोटा मिनी रेगिस्तान, आपको आगे हो सके तो रेगिस्तान विलेज चलेंगे, रेगिस्तान के दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। ये हम पता नहीं कहाँ गांव गांव खेल रहे हैं। अभी सिक्कर यहाँ से 170 किलोमीटर पड़ा है, बट हमारी साथ एक कांड हो गया है भाई। रॉयल इनफील्ड में धोखा दे दिया, बंद पड़ गई है। तो अभी हम यहाँ पे इन भैया के पास रुके हैं जो हमारी बाइक देखेंगे। और इन्होंने पहले ऐसे बंदे मिले जो जिन्होंने हमसे पूछा हम राजस्थान जा रहे हैं, और साथ में चाय भी पिलाई है, और हमारी स्वागत इन्होंने चाय के साथ किया है। तो सर, आपके साथ बाइक ने कैसा धोखा किया है बताइए, बता दो जो। मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने तो मेरे को अतुल ने धोखा दिया, उसके बाद बाइक ने धोखा दिया, बाइक ने ऐसा धोखा दिया है, फिर जाम ने धोखा दिया। जाम तो ऑब्वियसली तब मिला क्योंकि हमारे को अतुल ने धोखा दिया। अब देखो भैया देख रहे हैं हमारी बाइक को, ठीक हो पाती है कि नहीं, फिर आगे बताते हैं आपको अपडेट। धन्यवाद जी। सो गाइस, हम बाइक वाले भैया से निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। बाइक हमारी रिपेयर तो हो नहीं पाई, पर वो इंजेक्टर का इशू है, इंजेक्टर उनके पास अवेलेबल था नहीं, तो उन्होंने बोला है चिड़वारा में आपको इंजेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी सिटी बता रहे हैं, तो वहाँ पे बाइक देखते हैं ठीक होती है कि नहीं, या ऐसे रुलाती रहेगी, बिल्कुल मोशन पकड़ ही नहीं रही है, बीमार हो गई हमारी बुलेट, रो रो के चल रही है भाई।